मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग खेलने वाले हैं क्राफ्टमैन, जो कि पुरानी सीरीज अभी तक बाकी है। रुकिए गाइस, थोड़ा ग्लिच होता है ना, ग्लिच। हाँ तो अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सो हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष। तो आ गए हैं माइनक्राफ्टमैन वीडियो वाली वीडियो पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ दिनों बहुत दिन से मैं ऑफलाइन जो था ना, तब से मैं माइनिंग करते जा रहा हूँ। उससे मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल गए, अब 2 1 स्टैक डायमंड्स। मैं सच बोल रहा हूँ, क्रिएटिव में क्रिएटिव की बात मत करो। मैंने एक चीज़ भी क्रिएटिव से मत लाना है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन इस पिकैक्स से माइन किया। और इधर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे ऊपर एक बेस बना दी, और वो बेस है मेरी फार्मिंग के लिए। तो आप लोगों को ऊपर जाके दिखा देता हूँ, रुकिए प्लीज। ये बहुत टाइम लेता है। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 3 ही वीट मैंने उगाए, बिकॉज सिर्फ 3 वीट, बिकॉज मेरे पास और सीड्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़े सीड्स और थोड़े काम कर लूँ, कुछ पता नहीं क्या। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं एकदम अमीर बन चुका हूँ। तो हमने थोड़ी फॉल डैमेज ले चुकी है जहाँ से मैंने माइन की थी। रुकिए, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए ज़रा, वेट सम मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ढूंढना पड़ेगा दया। ये ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है, क्या करूं। अरे कहाँ जाऊं, गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कल आपका वो जो गिव अवे है, वो गिव अवे आने वाला है कि कौन क्या कैसा कैसा होने वाला देता हूँ। तो हम लोग आप देख सकते हैं कि ये मेरा घर है और ये मेरा एन्चेंटिंग टेबल है। इससे मैंने सब कुछ एन्चेंट किया था। और ये मेरा फर्नेस, ये नोटबुक जिससे सिर्फ टुक टुक आवाज आता रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि इतना लैपिस आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। हाँ, और इतने डायमंड की तो सोचो ही मत। ये सब सार मैंने माइन किया था। ये एकदम से ओपी डायमंड मिला, इतना डायमंड कि मैं माला माल हो गया। और हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर लावा बकेट भी है। तो उधर थोड़ा लावा बकेट मैंने आयरन से बकेट बना कर खा लिया। और आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर भी एक रूम बनाया है मैंने, और वो ये है। अच्छा लग रहा है ना, झकास। इधर से एकदम विंडो है, उधर ये देखो इधर भी एक विंडो है। तो हाँ, और मैंने इतने डायमंड्स कलेक्ट किए, 24 डायमंड्स में तो मेरा आर्मर बन गया डायमंड का। और ये जो सारा एन्चेंट देख रहे हैं ना, ये सारा मैंने एक्सपी करके एन्चेंट किया था। पर ये यहाँ पर एन्चेंट करने को बहुत मुश्किल था। मेरा ऑलमोस्ट 54 लेवल हो गया था, सबको मार मार के एक्सपी लेके लेके वही सारा एक्सपी इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से गिर के हो गया। और वो जो आप सब देख रहे हैं, वो जो फॉल्स कॉबलस्टोन फॉल, वो मैंने लावा और वाटर का मिक्सचर करते करते वहीं पर मेरा थोड़ा सा एक्चुअली जल गया था। तो हम लोग देखे दिखा देता हूँ कि मैं नॉर्मली तो गिर के मर ही जाता हूँ, लेकिन इस गोल्डन एप्पल पे इतना पावर है कि ये बहुत सा सहन कर सकते हैं। देखिए, देखा अच्छा है ना। इसको बोलते हैं झकास आइडिया। वैसे ये सब गोल्डन एप्पल है ना, ये सब मैंने वो झाड़ से
झाड़ से बहुत सारा एप्पल मिल गया था, वो मैंने जमा कर लिया, और वहाँ पर थोड़े बहुत सारे गोल्ड मिल गए थे जिसके मैंने ब्लॉक्स बना दिए, और ब्लॉक्स के तो बहुत सारे ब्लॉक्स हो गई, 47 ब्लॉक्स, उससे मैंने बहुत सारा वो किया था। हाँ, और वो जो देख रहे हैं ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उधर से मैंने ये थोड़ा सा कॉबलस्टोन भी माइन किया था। तो आप लोगों को अगर मेरा वो ऊपर बेस अगर पसंद हुआ तो अच्छा, अच्छी बात। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास थोड़े डर्ट और थोड़े वो है तो उनको मैं उधर लगा देता हूँ। ये डर्ट कहाँ गया? ये सारे जरूरी सामान सामान रख दो इधर, नहीं तो बाद में रोने के धोने पड़ जाएंगे। और ये रहा 14 गोल्ड इंगॉट, इनके भी मैं बाद में ब्लॉक्स बना दूंगा। खैर, अभी थोड़े से ब्लॉक्स बना ही लेते हैं, बाद में थोड़े काम आएंगे। और मुझे सीड की तो एक सीड है, एक भी लेते हैं। पानी की भी सख्त जरूरत होने वाली है, चलता हूँ वो सब लगाने। एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड बना लिया, रखो और चलो। सो 1 मिनट गाइस, आपको थोड़ा ग्लिच हो रहा है, मैं थोड़ा पॉज करके आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, तो गाइस मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाके काम कर दूँ, इतना जो थोड़ा वहाँ पर कॉबलस्टोन पड़ा है उनको भी हटा देता हूँ, बिकॉज उतना कॉबलस्टोन से मेरा थोड़ा काम बन जाएगा। और वो सीक्रेट प्लान है, वो आपका गिव अवे से बनाऊंगा मैं। पिकैक्स की सख्त जरूरत पड़ने वाली है, और डर्ट का यहाँ हाँ लगा दिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये भी उग चुका है, लगा सकते हो? नहीं। जो कि मेरे पास एक डायमंड आर्मर है, तो मैं पानी पे भी जंप कर सकता हूँ, बहुत आसान। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस इधर से तोड़ना शुरू करूँ। मेरे को बहुत सारे कॉबलस्टोन की जरूरत भी पड़ने वाली है, ये ऊपर जाके कॉबलस्टोन तोड़ने की, इसलिए मैं कॉबलस्टोन तोड़ रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये बहुत कम करेगा। अबे यार, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सॉरी गाइस, थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया था, छोड़ो जितना प्लेटफॉर्म छोड़ा है, अभी माइन तो करते जाओ।
थोड़ा काम है, तो प्लीज रुक जाइए, मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है।